रिडक्स जो होंगी दोस्तों, पहले पाँव इधर रखेंगी, फिर इधर रखेंगी, फिर सीधा स्विमिंग पूल में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलकर तमाम सब कैसे होंगे दोस्तों। आज ना हमने बहुत ज्यादा काम करने हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमने ना अपने पिजन्स को दोस्तों खोल दिया, माशाल्लाह से इनको पानी डालना है, दाना दोस्तों हमने इनको खिला दिया है। माशाल्लाह दोस्तों हमारी मुर्गियां भी सारी की सारी बाहर आ गई है। दोस्तों हमारे लैला मजनू भी बिल्कुल ठीक है और हमारे मोटू पतलू भी दोस्तों डाइट का इंतजार कर रहे हैं। हमने अपने पिजन दोस्तों काफी देर के खोले हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों इनको बंद कर देते हैं और फिर दोस्तों आराम से अपने चिकन्स को खोलते हैं। हमारा ब्लैक वाला पेड़ दोस्तों फिर से माशाल्लाह अंडे देने वाला है। ये दोस्तों इनका पहला बच्चा है, माशाल्लाह से एक बच्चा एक्सपायर हो गया था एक पल के, और माशाल्लाह फिर से अंडे देने वाले हैं। दोस्तों मैंने ना पिजन्स को ना फ्रेश पानी भी लगा दिया इधर। पिजन्स को बंद करने के बाद दोस्तों सबसे पहले बाड़ी आती है जी हमारे सुल्तान की, चुटकी की और थ्री इडियट्स के ना एक मेंबर की। दोस्तों ये बहुत ज्यादा झगड़ा करना स्टार्ट हो गए हैं। तीनों को दोस्तों खोलने के बाद ना हमने चिली मिली को और थ्री इडियट्स के दो बाकी जो मेंबर रहते थे दोस्तों उनको भी हमने खोल दिया। एक वो है, बाकी दोस्तों सारे इधर घूम रहे हैं। ये देखे खरगोशों की डाइट पे ना इन्होंने हमला कर दिया। यार मोटू पतलू तुम्हें भी खिलाते हैं, ये देखो मिली तुम्हारी डाइट खा रही है। अभी दोस्तों मैंने ना अपने मोटू पतलू के यानी कि अपने ना रैबिट्स को दोस्तों खोलना था, लेकिन मुर्गियां दोस्तों हमने ना खोल दी। अगर हमने बाहर इनको ना उधर डाइट डाली रैबिट है उसमें तो सारा मुर्गियां खा लेंगी, तो फिलहाल इनको अंदर ही डाइट डाल देते हैं। मुर्गियों को बंद करेंगे फिर इनको और डक्स को खोलेंगे। फर्स्ट टाइम दोस्तों मैं ना मटर के छिलके डाल रहा हूँ रैबिट्स को, पता नहीं ये खाते हैं या नहीं। माशाल्लाह से दोस्तों खाना शुरू हो गया मटर के छिलके, और हमारे लैला मजनू भी दोस्तों माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं। इनकी दोस्तों ग्रोथ काफी ज्यादा तेज हो रही है, इनको भी दोस्तों खोलेंगे, लेकिन पहले सब मुर्गियों को डाइट वगैरह हम डाल देते हैं। मैंने दोस्तों इन सबको डाइट इधर डाल दी, अब सारी मुर्गियां दोस्तों इधर आके खा लेंगी। तो दोस्तों अभी ना मैंने सुबह का नोट कर रहा हूँ, हमारी ना चुटकी दोस्तों बीमार हुई है यार, पता नहीं इसको क्या हुआ है दोस्तों, कुछ चीज ना खा पी नहीं रही, पता नहीं यार ये सही से कुछ खा नहीं रही। चिली मिली देखे यार कहीं ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये देखे दोस्तों इसका ना मुंह भी ना स्वेल हुआ हुआ है थोड़ा, पता नहीं यार इसको क्या हुआ है, कोई बीमारी हुई है किसी चीज ने काटा है, मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ खा नहीं रही यार सुबह का ना। ये सब पेट्स को दोस्तों देखने के बाद दोस्तों अभी मैं आया हूँ अपने डक्स पूल की तरफ। दोस्तों कल एक भाई का कॉमेंट आया था, वो कह रहे थे यार आपने मट्टी का बनाया तो इस तरह से दोस्तों लीकेज होगी। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूँ, तो दोस्तों अभी ना मैं आपको समझाता हूँ ये बनेगा कैसे। दोस्तों बीच में ये जो रास्ता है ना इधर बनेगी गुफा, जैसे बालू की गुफा होती है वैसे इधर साइडों पे एक पहाड़ बनेगा, एक पहाड़ इधर बनेगा। इधर दोस्तों हमारा ना इतना जो है ना वो स्विमिंग पूल बनेगा सिर्फ डक्स का, वो भी हम ना एक बर्तन रखेंगे बीच में जिसमें पानी होगा, और बर्तन दोस्तों हम ना मिट्टी से या सिरमट के साथ लेप कर देंगे, सिरमट के साथ लेप करेंगे ताकि दोस्तों लीकेज ना हो। तो अभी दोस्तों हुआ क्या है कि चिली और सुल्तान दोस्तों आपस में झगड़ा करना स्टार्ट हो गया। दोस्तों इनको बंद करते हैं और फिर दोस्तों अपने मोटू पतलू को और लैला मजनू को छोड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने ना काफी मुश्किल के साथ दोस्तों इन सब बदमाशों को दोस्तों बंद किया है। अभी दोस्तों मैंने ना चिली को और कालू को इधर बंद कर दिया है। अभी दोस्तों मोटू पतलू को और हमारे लैला मजनू को दोस्तों खोलने की बारी फाइनली आ चुकी है। जल्दी से दोस्तों इनको ना खोल देते हैं। पहले दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि ना मोटू पतलू को खोलें दोस्तों, क्योंकि ना सुबह का ये खाई जा रहे हैं, बस मोटू पतलू को दोस्तों खोलें। तो दोस्तों ये नहीं भाई मोटू दोस्तों आ चुके हैं माशाल्लाह से, ये दोस्तों पतलू है और अभी दोस्तों बाड़ी है जी हमारा मोटू की। तो दोस्तों मोटू भी माशाल्लाह से दोस्तों बाहर निकाल दिया हमने मोटू पतलू को खोल दिया। अभी दोस्तों इनको इनके हाउस में छोड़ देते हैं, उधर जाकर इनको डाइट भी डाल देते हैं और इधर से लैला मजनू को भी दोस्तों खोल देते हैं। तो अभी यार मैं सोच रहा हूँ दोस्तों हमारा डक्स ग्राउंड माशाल्लाह अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो बन रहा है दोस्तों, अभी हम ना क्यों ना अपने लैला मजनू को दोस्तों इनके ना होने वाले घर में दोस्तों शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों मुझे ना ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, देखते हैं दोस्तों इनका ना रिएक्शन इधर क्या होता है। को दोस्तों उठा के ना इनके होने वाले घर में शिफ्ट कर देते हैं और वहां जाके दोस्तों इनको नहाने देते हैं। माशाल्लाह अभी धूप भी निकली हुई है तो ये जल्दी से सूख भी जाएंगे। अभी दोस्तों हमने ना लैला मजनू को पकड़ना, पहले हम ना मजनू को पकड़ लेते हैं और इसको दोस्तों इसके होने वाले घर में छोड़ लेते हैं। देखे दोस्तों कितना ज्यादा शरारती है, माशाल्लाह पकड़ा नहीं जाता आदमी। चलो अभी लैला मैं आ रहा हूँ वापसी, ठीक है ना दोस्तों। अभी हमने ना मजनू को पकड़ लिया और दोस्तों रैबिट्स भी इधर ही है माशाल्लाह से, और इसको इसके होने वाले घर में छोड़ दिया दोस्तों। फर्स्ट टाइम इसका होने वाला घर दोस्तों इसने देखा है। देखे दोस्तों माशाल्लाह ना अकेला बोल कैसे रहा है, रैबिट्स भी दोस्तों मिनी जू टूर के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों लैला को भी पकड़ते हैं और इसके साथ छोड़ते हैं। फाइनली दोस्तों मैंने ना लैला को भी ले आया हूं दोस्तों, अभी ना इनको ना नहाने देते हैं। माशाल्लाह आज धूप भी निकली हुई है। सबसे पहले दोस्तों हम ना लैला को छोड़ते हैं पानी में। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह कितने ज्यादा ये क्यूट लगते हैं दोस्तों। मजनू दोस्तों मेरे ख्याल से ना खुद ही आ जाएगा होने वाले घर में। डक्स बेबीज कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, रैबिट्स भी दोस्तों बाहर निकल गए हैं। अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ जी मट्टी लेने, मट्टी लेके आते हैं फिर दोस्तों अपने डक्स टाउन का काम स्टार्ट करते हैं। मजनू से दोस्तों अंदर नहीं आया जा रहा, मैंने सोचा मजनू को ना खुद ही अंदर रख देते हैं। चलो भाई मजनू तुम भी आराम से तैरो, मजनू की दोस्तों माशाल्लाह ना ग्रोथ अच्छी है लैला से। तो अभी फाइनली दोस्तों मैंने किया क्या दोस्तों, मैंने अपने सारे पेट्स को बंद कर दिया, लैला मजनू को भी दोस्तों बंद कर दिया और मोटू पतलू को भी दोस्तों बंद कर दिया। दोस्तों इधर मैंने ना जितना भी कचरा था सारा का सारा इधर डाल दिया। अभी देखिएगा आप मेरी साइंस के मैं बनाने क्या वाला हूँ दोस्तों। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला कि मैं क्या बना रहा हूँ दोस्तों, जब बन जाएगा तब आपको समझ आएगी दोस्तों मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो अभी दोस्तों सारा कचरा इधर डाल दिया, अभी दोस्तों इसके ऊपर छोपड़ आएगा, फिर मट्टी आएगी लाल और फिर दोस्तों हमारा सही काम स्टार्ट होगा। तो इधर दोस्तों हम ना अपने सारे के सारे छोपड़ वगैरह ले आते हैं, अभी दोस्तों इसमें लगा देते हैं। 3 2 1
फाइनली दोस्तों मैंने ना शोपर वगैरह लगा दिया दोस्तों, मैंने ना इसके ऊपर ना ईंटे वगैरह भी रख दी है। अभी दोस्तों इसके ऊपर ना मट्टी लेप करनी है। अभी दोस्तों जो मैं तब से मेहनत कर रहा था ना, सारी मेहनत पे मैंने खुद ही पानी फेर दिया दोस्तों, मैंने सारी की सारी फिर से सफाई कर दिया, शोपर उठा दिया। फिर मेरा प्लान दोस्तों बदल गया, अब मैंने ना कुछ और तरीके के साथ बनाना जिससे हमारी लीकेज भी ना और हमारा सही भी बन जाए। फाइनली दोस्तों हमारा काम ना इतना हो गया दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना ये वाले पत्थर मैंने कब से ना इसी काम के लिए जमा किए हैं, तो ये देखे दोस्तों फाइनली ना हमारे काम आ चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारे लगेंगे दोस्तों। ये हमने मट्टी से बनाना नहीं है, मट्टी के साथ लेप करके इसके ऊपर दोस्तों हम ना सिरमट के साथ प्लस्तर करेंगे ताकि इसमें लीकेज ना हो। ये वाला दोस्तों हमारा स्विमिंग पूल हो जाएगा और इधर दोस्तों हम डक हाउस बनाएंगे, माशाल्लाह बीच में स्विमिंग पूल और बीच में डक हाउस बनेगा तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारा हो जाएगा। जैसे ये रैबिट हाउस है वैसे दोस्तों ये डक हाउस है। तो फाइनली दोस्तों हमारा ना आज का जितना भी काम था दोस्तों माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। ये देखे हमने ना ये बनाया सिस्टम दोस्तों, ये देखे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पहाड़ है दोस्तों, जैसा नेचुरल माहौल होता है हमने वैसा देने की कोशिश की है। अभी दोस्तों हमने सिर्फ मट्टी के साथ टच दिया दोस्तों, जो फाइनल हमने प्लस्तर करना ना वो हमने सीमेंट के साथ इंशाल्लाह कल करेंगे दोस्तों। कल की वीडियो में आप देखेंगे कि ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इधर दोस्तों हमने केज बनवाना है या फिर हम बनाएंगे खुद, ये तो हम कल की वीडियो में इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे। बाकी दोस्तों आपने ये लाजमी बताना कि ये आपको कैसा लगा दोस्तों। इसमें ना हम ऐसा करेंगे पानी छोड़ देंगे, अभी दोस्तों इसमें प्लस्तर होना है सारा सीमेंट के साथ होना है, इसलिए हमने ना इतना खास कुछ मिट्टी के साथ किया नहीं है, क्योंकि दोस्तों मट्टी के साथ अगर हम पानी छोड़ेंगे तो कभी भी जो है ना वो एक जगह पे टिकेगा नहीं, लीकेज हो जाएगी। तो इसको दोस्तों हम ना कल सीमेंट के साथ इंशाल्लाह प्लस्तर करेंगे। बाकी दोस्तों हमारे मुर्गे आधे इधर है, कुछ दोस्तों हमारे मुर्गे इधर है, हमारी लैला मजनू और मोटू पतलू दोस्तों खा रहे हैं। जल्दी से दोस्तों मैं सबको डाइट वगैरह डालता हूँ, इनको अंदर बंद कर देता हूँ। आज हमारी दोस्तों किसी भी मुर्गी ने ना अंडा नहीं दिया, ना मिली ने दिया और ना ही दोस्तों चुटकी ने दिया। दोस्तों चुटकी को पता नहीं क्या हुआ है दोस्तों, इसके ना मुंह पर ना स्वेलिंग हुई हुई है, पता नहीं दोस्तों इसका क्या ट्रीटमेंट है, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अभी दोस्तों मैं ना डॉक्टर के पास जाता हूँ और चुटकी की ना तस्वीरें वगैरह दिखाता हूँ डॉक्टर साहब को, और वो ना कोई अच्छी सी मेडिसिन लिख के देंगे, फिर हम ना चुटकी का ना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। बाकी दोस्तों ना सब के जिसको ना उधर से पकड़ के इधर लाने लगा, क्योंकि दोस्तों सर्दी काफी ज्यादा हो गई है। मैंने सोचा दोस्तों पहले थोड़ी देर इनको छोड़ लेते हैं ताकि दोस्तों ये ना फिर पुड़ लें, और ये दोस्तों मैंने स्टिक भी पकड़ लिया ताकि दोस्तों ये हमारे स्विमिंग पूल की तरफ ना जाए। ये ना दोस्तों मैंने इनको बाहर तो निकाल दिया, लेकिन दोस्तों इनका ना ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखे सीधा जो है ना रैबिट हाउस में गए हैं ये, वह इधर से भागो इधर। ये स्टिक दोस्तों बहुत ज्यादा काम किया, ये स्टिक की वजह से डरते हैं फिर इधर नहीं आते। इस चूजे के देखे काम चेक करें यार, रैबिट्स के ना पट्ठे उठा उठा के खा रहे हैं इनके जो है ना चारे को। दोस्तों मैं ना इधर इनको डाल देता हूँ और थोड़ा बहुत दोस्तों सुबह के लिए भी रख लेते हैं। मोटू पतलू को दोस्तों मैंने ना डाइट वगैरह डाल दिया, लैला मजनू भी दोस्तों खा चुकी हैं। अभी दोस्तों सुल्तान की बारी है और इन सब मुर्गियों की बारी है और पिजन्स की बारी है। तो ये ले दोस्तों हमने इनको माशाल्लाह से ना शाम की डाइट भी काफी ज्यादा डाल दिया, सुबह तक दोस्तों भी ये ना खाते रहेंगे। अब दोस्तों इनको उठाते हैं और अंदर दोस्तों शिफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली ना मैंने ना अपने मोटू पतलू को और दोस्तों लैला मजनू को बंद कर दिया है। अब दोस्तों बारी है हमारे पिजन्स की, तो जल्दी से दोस्तों इनको ना शाम की डाइट डाल देते हैं। ये ले जी दाना पकड़ लिया। ये ले दोस्तों हमने ना पिजन्स को डाइट डाल दी। अभी दोस्तों ये दो केजेस पकड़ते हैं दोस्तों, इसमें बंद करते हैं, ये नीचे करते हैं क्योंकि शाम दोस्तों हो गई है और स्मोक भी दोस्तों आना स्टार्ट हो गई है। तो अभी दोस्तों इनकी ना अंदर ही ना डाइट वगैरह का टाइम हो गया, तो इनकी ना डाइट वगैरह दोस्तों इधर लगा देते हैं, ये खा लेंगे। अब दोस्तों ऊपर भी लगा देते हैं दोस्तों। अभी ना मैं ना चुटकी के लिए दोस्तों ये वाला कैप्सूल लाया हूं दोस्तों मेडिकल स्टोर से, ना डॉक्टर ने बोला ये वाला दे दो इंशाल्लाह सुबह तक बिल्कुल चुटकी ठीक हो जाएगी, जल्दी से ना इसको दे देते हैं। इधर दोस्तों हमारा डक्स हाउस बनेगा माशाल्लाह से, और हमारी डक्स जो होंगी दोस्तों पहले पाऊँ इधर रखेंगी, फिर इधर रखेंगी, फिर सीधा स्विमिंग पूल में। दोस्तों इसको हम ना सीमेंट के साथ इंशाल्लाह लेप भी करेंगे, और इधर दोस्तों हम ना पौधे भी लगा सकते हैं, इंशाल्लाह लगाएंगे भी तो और भी ज्यादा ये प्यारा हो जाएगा। और दोस्तों ये दो दिन में बनाना इम्पॉसिबल था, इसलिए दोस्तों हमें ना दो दिन और लग सकते हैं इसको डेकोर करने में और इसको फाइनल करने में। माशाल्लाह दोस्तों मैंने ना अपने सारे के सारे पेट्स को दोस्तों डाइट वगैरह डाल के बंद कर दिया। वैसे दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, और आपके अपने चैनल ब्लिस बट फैमिली को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।